सिटी चॅनल बातमीपत्रात पुन्हा आपले स्वागत। मालेगाव शहरामधील कोरोनाग्रस्त रुग्णांकरिता सुरू केलेल्या कोविड 19 हॉस्पिटलमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप करीत या रुग्णालयाच्या कारभाराची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी मालेगाव महानगरपालिकेतील सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांनी केली आहे। मालेगाव शहरातील कोविड 19 रुग्णालयामधील भ्रष्टाचाराविषयी बोलताना मालेगाव महानगरपालिकेतील सत्ताधारी पक्षाचे नगरसेवक नियाल अजीज यांनी आरोप केले की या रुग्णालयांमध्ये कोरोनाग्रस्त रुग्णांकडे लक्ष दिले जात नाही, या ठिकाणी बेड उपलब्ध करून देताना मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत आहे। मालेगाव शहरात खासगी रुग्णालयांमध्ये 2100 ते 2500 रुपयांमध्ये उत्तम रीतीचा बेड उपलब्ध असताना या रुग्णालयांमध्ये 7500 रुपये एका बेडसाठी आकारले जातात। या रुग्णालयांमध्ये जे कर्मचारी आहेत त्यांना कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने ठेवले आहे। नाशिक येथील एका संस्थेला या रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांचा ठेका दिला आहे। रुग्णालयामध्ये किती कर्मचारी आहेत, त्यांची ड्युटी कुठे लावली आहे, साफसफाई होते की नाही याविषयी कोणतीही चौकशी संस्था करीत नाही। रुग्णालयामध्ये अत्यवस्थ रुग्णांसाठी पुरवण्यात येणाऱ्या ऑक्सिजन सिलेंडरमध्ये तर मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप करीत या सर्व प्रकारची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी आणि या सर्व प्रकारामध्ये जे अधिकारी अथवा कर्मचारी दोषी आढळतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणीही निहाल अजीज यांनी केली। आज जो कोरोना के जो सरकार ने निधि दी है उसका इतना भ्रष्टाचार ये लोग कर रहे हैं। हम अपने जो मक्तेदार है जो उनके हैं, जो बेड आज हमको 2500 रुपये में मिलने वाला ये 7500 रुपये में बेड खरीद रहे हैं। एक बेडशीट बेड पर आप जो भी हॉस्पिटल है, जितने भी हॉस्पिटल है, हमने सब हॉस्पिटल का दौरा किया है, एक भी हॉस्पिटल के बेड पर बेडशीट ऐसा वापस एक बार लगा दिए दोबारा बेडशीट वहाँ लगा नहीं है। इतनी गंदगी है, कोई पेशेंट ने टॉयलेट कर दिया है, कोई पेशेंट ने उल्टी कर दिया है, कोई पेशेंट का बुलेट चला गया है, लेकिन कोई साफ सफाई का तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं। दूसरी बात, आज मेरे वार्ड में कम से कम 30 से 35 मैयत हुई है, डेड हुई है जी। तो इसमें से कई लोगों किसी की जीवन हॉस्पिटल में, फारन हॉस्पिटल में, सारा हॉस्पिटल में हुई, तो एक की भी रिपोर्ट जो डेड हुई है उनका स्वेट लिया गया है लेकिन रिपोर्ट नहीं आई है क्योंकि वो निगेटिव है, पॉजिटिव है। बहुत से लोगों को हमने देखा है कि इनको सांस की तकलीफ हुई और उनकी डेड हो गई है, तो कहीं ना कहीं से लिवर अगर उनका स्वेट गया है तो अगर वो पॉजिटिव आता है तो उनकी फैमिली इधर उधर घूम रही है, क्वारंटाइन आज तक उनको किया नहीं गया है। इतनी सारी तकलीफ होने के बाद भी, शिकायत करने के बाद कोई फ़ोन यूज़ नहीं करता, कोई तवज्जो देता नहीं, इंतजामिया यहाँ पर ऐसा लगता है प्रशासन फेल हो गया है। प्रतिनिधि की बात नहीं सुनी जा रही है, प्रतिनिधि को पता होता है वार्ड में क्या तकलीफ है, वार्ड में कहा कौन से पेशेंट है, ये बात हमारी सुनी नहीं जा रही है। हम जो हैं जी एक आम आदमी के लिए दौड़ रहे हैं, आम आदमी के ऐसे हाल है कि वहाँ रो रहे हैं वो लोग, उनके पेशेंट को अंदर डाल दिया जाता है, बोलते हैं आप इधर आने का नहीं, लेकिन पेशेंट पे तवज्जो नहीं दी जा रही है, तो इसके लिए लोग क्वारंटाइन नहीं हो रहे हैं। अगर वहाँ पर उनको सुविधा मिलेगी तो घर के लोग खुद से क्वारंटाइन होंगे। अभी मांडरे सर का, निगम सर का मैंने आज ही पेपर पढ़ा हूँ कि लोग खुद से क्वारंटाइन कराए, ठीक है कराएंगे सर, हम क्वारंटाइन कराएंगे लोगों को बोल के, लेकिन वहाँ उनको वैसी सुविधा दी जाए, है ना, इंतजामिया से बोला जाए कि जो पेशेंट है उनको सुविधा दो, डॉक्टर नर्स जो इंचार्ज है स्टाफ के वहाँ पे, स्टाफ कितना है क्या है, वो जो इंचार्ज है इंचार्जों को बोला जाए कि पेशेंट को जो भी सुविधा लग रही है उनको दो। ये बोलते हैं कोरोना का इलाज नहीं है, ठीक है हम कोरोना का इलाज नहीं है ये मानते हैं ना, लेकिन पेशेंट को क्या तकलीफ हो रही है, किसी को शुगर है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को किडनी प्रॉब्लम है, किसी को सांस का प्रॉब्लम है, पहले से ऑलरेडी जो बीमारी है, आज निगेटिव पॉजिटिव पेशेंटों को सारा हॉस्पिटल में साथ में रखा गया है, जो नॉन कोविड है उनको भी पॉजिटिव हो सकता है, ये चीज़ पे तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, ये तो हम ऊपर के लेवल पे भी लेटर अभी देंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ कि तवज्जो दीजिए आप लोग, आपको क्या कमी पड़ती है हम लोग को बोलो, हम सत्ताधारी प्रतिनिधि है, हम आपकी फुल मदद करेंगे, हम आपको हर टाइम खड़े हैं आपकी मदद करने के लिए, लेकिन आप हमारी बात को सुनो, हमसे पूछो कि वार्ड में क्या है, आज 3 से 4 गली में 30 डेड हुई है, ये रिकॉर्ड पे नहीं है जी। ये सरकार को मालूम नहीं है कि इतनी डेड यहाँ मालेगांव में हुई है, आप चाहे तो कब्रिस्तान से डेड का सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि 1-1.5 महीने में कितनी डेड हुई है, और ज़्यादातर कोविड 19 से ही मैं तो बोलता हूँ डेड हुई, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं।
रिक्वेस्ट करके हम बोलते हैं, हम तो अभी राजेश टोपे जी आरोग्य मंत्री सीएम के पास भी हम अभी लेटर देने वाले हैं ईमेल के जरिए, उनको बोलने वाले हैं कि हमारे प्रशासन यहाँ फेल हो गया, नाकाम हो गया। हम हर सुविधा देने के लिए उनको तैयार है, लेकिन वो लेने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ वो भ्रष्टाचार के पीछे पड़े हुए हैं, भ्रष्टाचार कर रहे ये लोग। सफाई काम का बोले हमने ठेके बेस पे दे दिया है, ठेका बेस पे दे दिया है बेड का, बेडशीट का, जहाँ भी जितने भी है सिर्फ करोड़ों रुपए निकाल के मक्केदार के साथ में क्या पार्टनर ही है इनके। ये इतना महंगा महंगा सामान ले रहे आज है तो कोरोना से लड़ने के लिए भी बोल रहे और ये भ्रष्टाचार करेंगे। इनकी तो इंक्वायरी होना चाहिए। मैं खुद भी इनके ऊपर फौजदारी गुना दाखिल करने वाला हूँ, ऊपर के लेवल पे इनपे फौजदारी गुना दाखिल करने वाला हूँ। या विषयी अधिक माहिती देताना एका नागरिकाने सांगितले की त्यांच्या आईला त्रास होत असल्यामुळे खासगी दवाखान्यात दाखल केले असता त्यांनी कोविड सर्टिफिकेट आणावयास सांगितले। सर्टिफिकेट घेण्याकरिता मालेगाव शहरातील सहारा हॉस्पिटल या कोविड रुग्णालयात गेलो असता 6 दिवसांपासून त्यांनी आईला दाखल करून देखील अहवाल दिला नाही। आईला कोरोनाची लागण झालेली नाही, कोरोनाचे कोणतेही लक्षण आईमध्ये आढळले नसताना देखील त्यांनी अलगर्जीपणा केल्याचा आरोप केला आहे। स्थानिक नगरसेवकांना देखील रुग्णालय प्रशासन जुमानत नसल्याचे देखील त्यांनी यावेळी सांगितले। 6 दिन से मैं परेशान हूँ। सारा हॉस्पिटल में मेरी मम्मी को मैं एडमिट किया हो, मेरी मम्मी नॉन कोविड है। पहले प्राइवेट दवाखाने में लेके गया तो बोले तुम कोविड का बोले सर्टिफिकेट लाओ, तो जब बोले बोले आपको बोले चेक करेंगे। अब सारा हॉस्पिटल में जब मैं लेके गया हो तो सारा हॉस्पिटल में 6 दिन हो गया, अभी तक उन्होंने रिपोर्ट तक नहीं, स्वैप तक नहीं चेक करे हुए जी। हाँ, स्वैप भी अभी तक लेके नहीं गए। डॉक्टर की कोई टीम नहीं है, सफाई की कोई सुविधा नहीं है और दुनिया भर का वहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है। ये उसके वार्ड में मेरे वार्ड के हमारे नगर सेवक न्याल हाजी साहब, मैं इनके पास में फरियाद लेके गया हूँ जी। हाँ, इनको लेके गया हूँ, इनको बोला हूँ, ये 6 दिन से मेरे नगर सेवक साहब मेरे साथ दौड़ रहे हैं। बाकी की बात इन्होंने इनके आँख से देखे, आप बताइए ना। मैं वार्ड नंबर 7 का नगर सेवक न्याल हाजी कांग्रेस पार्टी से सत्ताधारी नगर सेवक है जी। मैं सारा हॉस्पिटल कोविड 19 के लिए दिया गया है कॉर्पोरेशन को और वहाँ पे जो भी सुविधा का काम है ये कॉर्पोरेशन प्रशासन को दिया गया है। इनका कोविड 19 का इंचार्ज हो नितिन कापड़नी साहब को बनाया गया जी। लेकिन जब हमारे मालेगांव में राजेश टोपे जी आरोग्य मंत्री मालेगांव आए तो उन्होंने एक एक हॉस्पिटल का विजिट किया जी। विजिट करने के बाद वो खुद चल के हॉस्पिटल में गए, पेशेंटों से मुलाकात की, उन्होंने उनसे हालचाल पूछा। लेकिन हमारे मालेगांव प्रशासन कॉर्पोरेशन के द्वारा जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है तो यहाँ पे 16 स्पॉट चालू किए गए हैं मालेगांव कोरोना के लिए, लेकिन एक भी हॉस्पिटल में वरिष्ठ अधिकारी ने विजिट नहीं किया है कि वहाँ क्या तकलीफ है, पेशेंट को क्या सुविधा मिलना चाहिए, वार्ड में साफ सफाई का निज़ाम कैसा होना चाहिए, ये बिल्कुल इंतज़ाम है नहीं। 14 तारीख को सारा हॉस्पिटल हमने प्रशासन को कॉर्पोरेशन को दिया, वहाँ पे जो भी चीज़ की सुविधा लग रही थी वो प्रशासन की तरफ था कि पूरी सुविधा यहाँ करके देना चाहिए। लेकिन 14 तारीख से आज 20 तारीख तक वहाँ कोई इंतज़ाम नहीं था, वार्ड बॉय का इंतज़ाम नहीं था, साफ सफाई कर्मचारी कॉर्पोरेशन की तरफ से नहीं थे। जब मैंने कापड़नी साहब से जो कोविड 19 के इंचार्ज जो है मालेगांव शहर के लिए जिनको जिम्मेदार बनाना गया उनको कॉल किया, वो बोलते हैं कि हमने स्वच्छता को दे दी है कंट्रैक्ट बेस पे, लेकिन स्वच्छता के कोई कर्मचारी वहाँ मौजूद नहीं थे। देखने के बाद वो पूरा पेशेंट के जो हालात थे कि एक पेशेंट उसको जो भी तकलीफ थी वो गया, जाने के बाद है ना डॉक्टर को आवाज़ दे रहा, डॉक्टर नर्स अंदर आने के लिए तैयार नहीं है, और वो फिसल के जब फर्श पर से गिरा तो उसकी जगह पे डेड हो गई 3 बजे रात में। उसको सुबह 7 बजे तक वो फर्श पर पड़ा रहा लेकिन उसको उठाने के लिए कोई आया नहीं। सब पेशेंटों ने हमसे शिकायत की है, जब हमने कलेक्टर साहब को फ़ोन किए तो उन्होंने फ़ोन यूज़ नहीं किया। हमारा IAS ऑफिसर पंकज आसिया सर को कॉल किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। आयुक्त साहब को हमने कॉल किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। अपने कापड़नी साहब को हमने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। यानी कोई तवज्जो है नहीं प्रशासन की तरफ से। हम सत्ताधारी है, हम है तो हर चीज़ उनको कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, लेकिन वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस देशासह राज्यात झपाट्याने वाढत आहे।
त्याच पार्श्वभूमीवर धुळे शहरातील इंदिरा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी नगरसेवक मुकुंद कोडवले यांच्या वतीने गेल्या महिन्याभरापासून धुळे शहरात मोठ्या प्रमाणात उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. या उपक्रमांतर्गत धुळे शहरातील तहसील कार्यालयात जंतुनाशकाची फवारणी करण्यात आली. धुळे शहरातील इंदिरा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माजी नगरसेवक तथा जनसेवेचे व्रत घेतलेले जनसेवक मुकुंद कोडवले यांच्या वतीने कोरोनामुळे गैरसोय होत असलेल्या तसेच उपासमारीची वेळ आलेल्या गोरगरीब कष्टकरी कुटुंबांना मदतीचा हात म्हणून अन्नधान्य वाटप असेल फळ वाटप भाजीपाला वाटप करण्यात येत आहे. तसेच शहरातील अनेक भागात जंतुनाशक फवारणी असे उपक्रम राबविण्यात येत आहे. हे उपक्रम गेल्या महिन्याभरापासून सुरू आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर धुळे शहरातील तहसील कार्यालय आणि वेंडर कार्यालय तसेच तालुका पोलीस स्टेशन या ठिकाणी जंतुनाशकांची फवारणी करण्यात आली. मुकुंद कोडवले यांनी राबवलेल्या या स्तुत्य उपक्रमांचे शहरातील सर्व स्तरातून मोठ्या प्रमाणात कौतुक करण्यात येत आहे. आमचे ज्येष्ठ काँग्रेसचे कार्यकर्ते मुकुंद कोडवले उपाध्यक्ष यांच्या वतीने धुळे ग्रामीण तहसीलदार कार्यालयामध्ये संपूर्ण विषय इंस्टॉलमेंटर कक्ष त्या ठिकाणी व सॅनिटायझर फवारणी करण्यात आली. कारण आमच्याकडे ग्रामीण भाग शहरी भागात पुष्कळ लोक येतात, त्याकरता त्यांनी जे केलं त्याबद्दल मी इंस्टॉलमेंटर संघटना व सगळ्यांच्या वतीने त्यांचे आभार मानतो. धन्यवाद. धुळे शहरातील 40 रोड परिसरातील जांचमडा येथे अज्ञातांनी जाळल्या 2 मोटरसायकली. रमजान ईदच्या निमित्ताने मालेगाव शहरातील नागरिकांशी नाशिक ग्रामीणच्या पोलीस अधीक्षकांनी साधला संवाद. मुस्लिम बांधवांनी रमजान ईदचा उत्सव साधेपणाने साजरा करण्याचे मालेगावचे आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल कासमी यांनी केले आवाहन. मालेगाव येथे COVID-19 रुग्णालयामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार, सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांनी केला आरोप. आणि धुळे शहरातील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जनसेवक मुकुंद कोडवले यांच्या वतीने तहसील कार्यालयात करण्यात आली जंतुनाशक फवारणी. याबरोबरच बातमीपत्र संपलं. मी पंकज पाटील आपली रजा घेतो. पुन्हा भेटूया पुढील प्रसारणात. तोपर्यंत नमस्कार.